फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये हैं डेविड, मैं हूँ रानी। हम दिल्ली से हैं। हम कपल रिलेशनशिप पर एडवाइस करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है कि सेफ ओयो दिल्ली में कौन कौन से हैं और उसको कैसे बुक करें। तो अब मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से ओयो को बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है ओयो रूम्स इस वेबसाइट पर और यहाँ पर दिल्ली सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम स्पेसिफिकली आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में कौन सा सेफ है। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ दिल्ली में 27 और 28, वन रूम फॉर टू गेस्ट। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कई बार ओयो आपको डिफ़ॉल्ट में वन रूम वन गेस्ट देता है और वहाँ जाके आपको अपडेट करना पड़ता है, इसलिए आप ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको करना है सर्च। जब आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइक 326 ओयोज। तो इससे पहले आप कुछ करें, यहाँ पे आपको जाना है सबसे पहले लोकल आईडी एक्सेप्टेड, अगर आप दिल्ली के लोकल आईडी हैं, और उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि ओयो वेलकम कपल्स अगर आप अनमैरिड हैं, तो ये दोनों आपको ज़रूर सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं वहाँ पे बहुत सारे आएंगे। ओयो रूम्स आप मत लीजिए, बहुत सस्ते और बेकार होते हैं। हमारा जो प्रेफरेंस है वो है टाउन हाउस, फ्लैगशिप और ओयो डिज़ाइन। तो ये तीन आप लीजिए, इन तीनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं। और एक डिज़ाइन यहाँ पर जैसे कि मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं वापस जाकर यहाँ से मिलता हूँ फ्लैगशिप। अब फ्लैगशिप लेने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे सस्ते होटल्स भी हैं, तो हमारा प्रेफरेंस है कि मिनिमम से मिनिमम आप कम से कम इसको ले जाइए 1000 पर। 1000 से नीचे का आप रूम मत सर्च कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप बाकी के ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। 1000 लेने के बाद भी ये फिल्टर आ रहे हैं 599, 499, इनको आप अवॉइड कर दीजिए क्योंकि इनके एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं। इसके बाद नीचे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे होटल्स दिखेंगे जो कि 1000 से लेकर आगे के हैं। इसको अगर आप चाहें तो सॉर्ट वाइज प्राइस भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो मैंने हाई टू लो प्राइस सेट किया है, तो मैक्सिमम मुझे मिल रहा है यहाँ पे 1664 का मिल रहा है। और उसके बाद अपन आते हैं एरिया में। एरिया में जो आपको अवॉइड करना है वो है करोल बाग और पहाड़गंज। इस एरिया को अवॉइड कीजिए क्योंकि वो इतने अच्छे एरिया नहीं है और वो इतने सेफ एरिया भी नहीं है। तो इसलिए रेलवे स्टेशन, करोल बाग, पहाड़गंज, ये वाले आइडिया आप अवॉइड कीजिए। अब मैं लिखता हूँ द्वारका या महिपालपुर। लेट्स सी, मैं द्वारका लेता हूँ। तो द्वारका के अंदर अब जो होटल आपको मिल रहे हैं, जो कि हमारी लोकेशन से लगभग 4 किलोमीटर ही दूर है ये लोकेशन, ये रेजिडेंसी है, दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के पास में है। अब ये वाले जो होटल्स हैं ये हम कहेंगे कि ये सेफ होटल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनकी फ्लैगशिप वाली रेटिंग है और कुछ नए होटल्स भी हैं, और नए होटल्स हमेशा अपनी एडविट बना के रखते हैं, अपनी इमेज बना के रखते हैं, इसलिए वो होटल ज़्यादा साफ सुथरे होंगे। और जिनकी रेटिंग 4.1 से ऊपर है उनको आप कंसिडर कर सकते हैं। बस कुल मिला के चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक आपको फ्लैगशिप लेनी है, दूसरा आपको सस्ते होटल्स नहीं लेने, तीसरा आपको जो लोकेशंस मैंने बताई उन लोकेशंस को अवॉइड करना है, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, करोल बाग हो गया, पहाड़गंज हो गया, उनको आप अवॉइड कीजिए। और उस तरह के अवॉइड करने के बाद जो आपको होटल्स मिलते हैं लगभग 1000 रुपये के ऊपर वाले, वो काफ़ी अच्छे होटल्स होंगे। जैसे कि हमारा प्रेफरेंस है कि इस बार इवनिंग में हम फ्राइडे को ये वाला होटल जो है फ्लैगशिप, इसको हम ट्राई करेंगे, देखेंगे किस तरह का होटल है, इसकी रेटिंग वगैरह अच्छी है। और जब आप बुक कर रहे हैं तो यहाँ पे कंटिन्यू टू बुक करने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपने टू गेस्ट के लिए वन रूम लिया है और आपकी डेट्स हैं जो सही हैं। उसके बाद कंटिन्यू बुक करने के बाद यहाँ पे आपको पॉलिसीज़ मिल जाएंगी कि आपको किस नाम से बुक करना है, क्या आपका फ़ोन नंबर है, ये डालने के बाद आप इस होटल को बुक कर सकते हैं। तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि सस्ते होटल्स नहीं लेने हैं आपको, और आपको जितने भी कम रेटिंग वाले होटल्स हैं जो रेलवे स्टेशन के आसपास वाले होटल्स हैं उनको अवॉइड करना है। और आप अपने होटल को बुक कीजिए, एडवांस भी पेमेंट कर सकते हैं, बाद में भी पेमेंट करते हैं, दैट डजंट मैटर। बुकिंग के बाद आप अपने पार्टनर से जाइए, एंजॉय कीजिए, और कोई अगर प्रॉब्लम आपको आती है तो ओयो से बात कर लीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे को कमेंट में डाल के बताइए, हम उन पर भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बाय।